हाय गाइस, अगर आप लोग सेफ गैलरी यूज करते हो तो आपने उसमें बहुत सारे अपने प्राइवेट फोटोज और वीडियोस रखे होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाय मिस्टेक हमसे कोई फोटोज या फिर वीडियोस डिलीट हो जाती है और हमें वो वापस चाहिए होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप सेफ गैलरी से डिलीट हुए फोटोज और वीडियोज को रिकवर कर सकते हो। इवन अगर आपने एप्लीकेशन भी अनइंस्टॉल कर दिया, तब भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा। तो मैं हूँ किशोर सर भैया और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो ज़्यादा रहता हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कैसे आप अपने किसी भी फोटोज़ को रिकवर कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। और अगर वीडियो को देखने के बावजूद आपके फोटोज वापस नहीं आते, यहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ से आपको डायरेक्टली इसका रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने की सेफ गैलरी जो है डाउनलोड करके रखी है। मैं इसको यूज़ नहीं करता, पर आप लोग को दिखाने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेफ फ़ोटोज़ में एक हमारा फोल्डर है, वहाँ पे दो फोटोज़ जो है वो आ चुकी है, ये और ये दो फोटोज़। तो अब चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, या फिर मैं इसकी जो डिटेल्स है वो भी मैं इसका सारा डेटा जो है वो क्लीन कर देता हूँ। जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई एनिमी अगर आपके मोबाइल से आपके कीप सेफ का डेटा जो है चुपके से इसको अगर क्लीन कर देता है, तो आप कैसे इसको बैकअप कर सकते हो। तो देखिए, मैं यहाँ से ऐप्स में जाकर सेफ गैलरी से जो आपका डेटा है वो क्लीन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे स्टोरेज में जाकर अगर आपके फ्रेंड ने यहाँ पे क्लियर डेटा कर दिया, तो आपके जो सेफ गैलरी से सारा डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये हमारा सेफ गैलरी जो है लोडिंग हो रहा है अभी। तो चलिए अब देखिए, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखिए, डेटा क्लियर होने के बावजूद यहाँ पे कुछ है ही नहीं। देखिए, यहाँ पे सेफ फोटोज़ में मैंने दो फोटोज़ जो है वो पोस्ट की थी, यहाँ पे लॉक करके रखी थी, वो यहाँ पे नहीं है। स्क्रीनशॉट में से जहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया वहाँ पर भी नहीं है। देखिए, वो डिलीट हो चुकी है। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको तीन डॉट दिखेंगे, वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट में जो है सेटिंग दिख रहा है, वहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है आपको, और सबसे ऊपर जो है रिकवरिंग लॉक मीडिया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए सर्चिंग कर रहा है आपके डिवाइस में से कौन से डेटा जो है लॉस हो चुके हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखा आ रहा है, देयर आर लॉक मीडिया फाइल नॉट रजिस्टर्ड टारगेट, टू डू यू वॉन्ट टू रिकवर लॉक मीडिया फाइल्स। तो हमें सिंपली यहाँ पे रिकवर करना है। देखिए, यहाँ पे स्टार्ट रिकवरिंग मीडिया फाइल, कंप्लीट रिसीविंग मीडिया फाइल। तो देखिए, यहाँ पे हमारे जो सेफ गैलरी में हमारे जो दो फोटोज हमने यहाँ पे लॉक किए थे, वो दोनों के दोनों जो आ चुके हैं यहाँ पे। तो आई होप गाइज आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर पूरा वीडियो देखा तो आपको समझ आ ही गया होगा कैसे आप अपने किसी भी फोटोज और वीडियोस को बिल्कुल आसानी से सेफ गैलरी में रिकवर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसी यूजफुल वीडियोज आप लोग सबसे पहले देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।